इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साडा यह मनना कि दोनों रवायती पार्टियां ते दोनों रवायती टब्बर बादल दे ते अमरिंदर सिंह ये साढ़े सत्त तरीक दे कोटकपूरे दे प्रोग्राम नू फेल करना चाहते ने। शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन से आम आदमी पार्टी के सुखपाल खहरा खटखड़ कलां विखे उन्होंने शरदा के फुल भेंट कर पहुंचे। शहीद भगत सिंह जी नू याद करते हुए सुखपाल खहरा ने उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। फिर पत्रकारों के नाल गलबात करदे हां जिथे सुखपाल खहरा ने शहीद भगत सिंह जी के जन्म पुरब दियां लोगों नू वधाइयां दित्तियां, उत्थे नाल ही उन्होंने कहा कि अज सानू लोड़ है शहीद भगत सिंह जी के पाए पूर्ण चलण दी। बेशक शहीद भगत सिंह जी देश लई कुर्बानी दे गए, पर अज दे राजनीतिक लीडरां ने देश नू फिर उही हालातां ते खड़ा कर दिता है जिन्हां हालातों चों शहीद भगत सिंह जी ने सानू कढ़िया सी। अज दे इस शुभ दिहाड़े ते असी सारे शहीद भगत सिंह होणा दे नतमस्तक होण आए हां, उन्हां दी महान कुरबानी नू चेते करन आए हां। उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है अज, और एक बहुत वड्डा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सारे देशवासियों वास्ते, विश्व च बैठे पंजाबियों वास्ते, शहीद भगत सिंह दी दास्तान उहदी वडमुल्ली कुरबानी इस देश वास्ते हमेशा याद रहेगी। दुख थोड़ा इस गल का जरूर हुंदा वा कि जिन्हां सुपनियां दे नाल इन्हां शहीदां ने अपने देश वास्ते कुरबानियां दित्तियां, वह 70 साल की आज़ादी तो बाद भी अज वह सुपने साकार नहीं हो रहे। और इस देश दे विच साडे पंजाब दे विच अज भी बहुत वितकरा, बेईमानी, बेइंसाफी और आम जनता नूं जो मैं कह सकदा कि जो उन्हां दी मुश्किलातां ने उत्तों बहुत दूर हले सरकारां बैठियां ने, और समय दे नाल तां सरकारां नूं अपने सूबे अपने देश नूं बहुत अगे लैके जाणा चाहीदा सी, ते शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्हां दे सुपनियां नूं साकार करना चाहीदा सी, परंतु ऐ जापदा जिद्दां असीं पिछे नूं जा रहे हां। और अज भी गुरबत आ, अज भी बेरोजगारी आ, अज किसान ते खेत मजदूर भर रहे ने, अज साढ़े सूबे दे विच नशियां दा जोर है, अज मैं जिस तरह पहला कहा कि भ्रिष्टाचार दा बोलबाला है, और ये मैं समझदा कि इन्हां दे सुपनियां नूं साकार करन वास्ते एक बार फिर नौजवानां नूं बीड़ा चुकना पवेगा पंजाब दियां नूं, और मोहरे आण के उन्हां दी सोच ते पहरा दे के ते इनकलाब लिआउण दी लोड़ है, क्योंकि सही मायनिआं विच जिहड़ा उन्हां ने महान शहादत दित्ती वह किते ना किते उन्हां दा इनकलाब जिहड़ा हले उहदा उहदी पूर्ती वास्ते नौजवानां नूं मोहरे आण के बहुत हले काम करन दी लोड़ है। इस तो बाद सुखपाल खहरा ने नवजोत सिंह सिद्धू वालों किए जा रहे कामों की शलाघा तो जरूर की, पर नाल ही उन्हें कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में बेबस नजर आ रहे हैं। तो श्री करतारपुर साहब के लांघे से बोलद उन्होंने कहा कि बेशक इस लांघे की गल नवजोत सिंह सिद्धू वालों तोरी गई है, पर हुण सारे इस लांघे को खुलवा के इस पर क्रैडिट लेना चाहते हैं, इस पर भी हुण सिर्फ सियासत हो रही है। पिछे उन्होंने अमृतसर की इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अमृतसर दियां कारपोरेशनां विच पहला भी घोटाले साबित किए ने, और बहुत सारी धोखाधड़ी सैकड़े करोड़ों की वो पहला भी लेके आए हैं, पर उन्हां दा नतीजा भी कोई नहीं निकलिया। आ पिछे उन्होंने गैर कानूनी कॉलोनीज़ के खिलाफ एक ड्राइव शुरू की सी, उन्हां दी अपनी ही ड्राइव नूं उन्हां दे अपने लोकल कांग्रेस के MLA से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने दबा दिता। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू दे लई इम्तिहान की घड़ी आ कि महज घोटालिया लोगों की जनता की अदालत में लैके आना काफ़ी आ कि सरकार विच बैठ के उन्होंने किसी लॉजिकल कंकलूजन तक पहुँचा, दोषियों फड़ना, करप्ट बंदियों के खिलाफ एक्शन लेना, वो कितने ना कितने सानू यह नज़र नहीं आ रहा। RTI भी उन्होंने 4-5 वड्डियां इनफॉर्मेशन रिलीज़ कीतियां। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल बादल के परिवार ने हैलीकॉप्टर का मिसयूज किया, 121 करोड़ रुपया पंजाब सरकार के खजाने का वेस्ट किया, पर हु विल टेक एक्शन क्वेश्चन इज के बहुत सारा मीडिया, बहुत सारिया रिपोर्ट्स, हर किस्म का भ्रिष्टाचार अज आप सबनों पता कि वो हो रहा, दब के हो रहा, पर इन रोकने वास्ते कांग्रेस सरकार की उपराला कर रही ये दसन की लड़ है। बट एनीवेज हैविंग सैड एवरीथिंग आई स्टिल अप्रीशिएट के नवजोत सिद्धू घट्टो घट एज अ मिनिस्टर अपनी ड्यूटी पूरी कर तनदेही ना कर रहे ने। देखो सारे गुरु नानक नाम लेवा चाहते ने कि जड़ा
करतारपुर साहब का लांघा है वह अवश्य मिलना चाहिए। हुण उहदे विच यतन किए गए ने फ्रॉम नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन उहदे विच मैं देख रहा कि बीजेपी की गवर्नमेंट अनविलिंग है, अड़िके पा रही है। अकालियां दी जिहड़ी मिनिस्टर्स ने, अकालियां दी दलील है कि शायद कोई इहदे चों कोई किसे तरह का कोई क्रेडिट ना लै जाए, क्रेडिट वॉर शुरू हुई हुई है। जबकि मुद्दा असले आ कि डेरा बाबा नानक तो करतारपुर साहब नू कोरीडोर जिहड़ी आ उह मिलनी चाहीदी आ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मेक एफर्ट्स, बिकॉज श्रद्धालु जिहड़े ने उह बहुत वड्डी गिणती विच भारत चों पंजाब चों करतारपुर साहब के दर्शन करना चाहते हैं, ना कि उल्टा। सो इसलिए जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती कि सानू हले प्रपोजल नहीं है, प्रपोजल तो सानू भेजनी चाहिए है, और टॉक शुड कंटिन्यू, टॉक शुड नेवर ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ सम इंसीडेंट्स हेयर एंड देयर। गलबात जारी रखना चाहिए और करतारपुर साहब का लांघा जरा अवश्य मिलना चाहिए पंजाब। बैबल कलां गोलीकांड श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के मुद्दे से सुखपाल खहरा वालों एक बार फिर सख्ती दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं घेरिया गया। उन्होंने कहा कि लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के दोषियों की सज़ा का इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कदों तक दोषियों नूं सज़ावां नहीं देणगे? बैबल कलां दे विच 14 अक्टूबर 2015 नूं दो नौजवान मारे गए सी, ना उसका इंसाफ दिता। इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग ने सानूं ये अधिकार दिता सीगा कि असीं एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाईए। असीं 15 मैंबर जॉइंट एक्शन कमेटी बना के कल 29 तरीक नूं फरीदकोट विखे मीटिंग रखी आ। हुण पंजाब दे लोकां दे सामने तीन चॉइसिस ने, उन्हां दे कोल तीन जगह ते ओह जाण वास्ते उन्हां नूं प्रेरिया जा रहा। असीं कह रहे हां कि 7 अक्टूबर नूं उही बत्तियां वाला चौंक जिथे लाठीचार्ज ते गोली चली सी कोटकपूरा साहब, इंसाफ की लड़ाई लड़न वास्ते। अखौती अकाली कहिंदे ने कि आओ तुहानूं असीं पटियाले विच रैली विच दिहाड़ीदारां वांगू लैके जाना चाहुंदे, और गुरु ग्रंथ साहब की इंसाफ पसंदी का विरोध कर रहे हैं अकाली। और कांग्रेस से मैनूं दुख है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तां एक्शन लेना चाहिए सीगा, गुनाहगार पुलिस ऑफिसर नूं फड़ के अंदर देना चाहिए सीगा, परंतु उन्होंने लंबी विच एक रैली रख दी। गवर्नमेंट्स नेवर होल्ड रैलीज, दे शुड नॉट इंडल्ज इन रैली कल्चर्स। ये कोई छोटी मोटी कोई गल नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला, तो दो नौजवानों के कतल का मामला वा। इसलिए जो कांग्रेस ने लंबी रैली रखी है, साडा यह मनना कि दोनों रवायती पार्टियां तो दोनों रवायती टब्बर बादल दे अमरिंदर सिंह ये 7.5 तरीक के कोटकपूरे के प्रोग्राम नू फेल करना चाहते हैं। 2017 के फ्लड अफेक्टेड जोड़े क्रॉप डैमेजेस से नहीं हले पूरे किए, तो अगले आले वास्ते दे आर ट्राइंग टू अनाउंस। असं कहेंगे कि तुरंत स्पैशल गिरदावरी होवे और सारे क्रॉप्स का डैमेज जरा वा मिनिमम 25,000 रुपीज पर एकड़। लोगों के घर डिग गए ने, मेरे हल्के दे मॉडल टाउन पिंड में एक छत डिग के नुकसान होया गरीबों का, उन्होंने मकान का भी सर्वे होना चाहिए, तो उन्होंने कॉम्पनसेशन भी इन्ह लोगों को। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार तो मंग कराँगा कि देखो किन्नी देर तुम चुप बैठे रहोगे, तुम लोगों ने मैंडेट दिता 77-78 सीटा दतिया, तुसी जेड़े करप्ट ने सिस्टम, चाहे वह पॉलिटिशियंस ने चाहे वह ब्यूरोक्रेट्स ने, उन्हां दी करप्शन नूं रोको। और जिदा इमरान खान ने पाकिस्तान दे विच एक बहुत वड्डा रिफॉर्म्स का बीड़ा चुकिया वा, अपने खर्चे घटाओ, अपने तो शुरुआत करो, चैरिटी दे से बिगिनस फ्रॉम होम। अपने जो तुसी बहुत वड्डे वड्डे कलोनीअल स्टाइल जो जिदा जो आपां नूं जिन्हां तों खेड़ा छड़ाया सी शहीद भगत सिंह ने, असीं तां उस लाइफ स्टाइल चों नहीं निकले। साडे गवर्नर भवन, साडे मुख्यमंत्री दे भवन, साडे डीसीआं दीआं कोठियां, ਸਾਡੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਜਵਾੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਵਾੜੇਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਟਿਲ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈਵਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲਾਈਨਡ, ਰੀਰੇਲਡ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟੈਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟੋਪ ਟੂ ਬੋਟਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।